यार मारा मारी पे लोग उतर गए हैं, कोई किसी को धमकी दे रहा है कि तुम्हें मार देंगे, लोग हमारे को धमकी दे रहे हैं किसी चौराहे पे मिले वो मार देंगे। भाई हम लोग मारपीट वाले आदमी नहीं, हम लोग मार खा लेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मार खाने के बाद जो होगा वो बात की चीज़ है, क्योंकि हम लोग मारपीट वाले करते नहीं, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। शायद भोजपुरी से काफ़ी लगता है कि अब ये दलदल में जा रही है, क्योंकि कभी मैं एक लाइव के दौरान आपका भी वीडियो देखा था जी। और लाइव के दौरान एक पवन सिंह के भाई का भी मैंने वीडियो देखा था, विशाल सिंह का। दोनों में अगर इस तरीके से अगर बात रहे और मतभेद ऐसा लगे तो मज़ा नहीं आता है कुछ न्यूज़ बनाने का भी, और क्योंकि हम लोग थोड़ा दिल से तकलीफ़ होती है दोनों के लिए, क्योंकि मैं पवन सिंह को ही उतना ही मानता हूँ, खेसारी लाल यादव को उतना ही मानता हूँ, और चाहे जितने भी सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी के पास हम लोग जाते रहते हैं। सो थैंक यू, पहले तो छोटू आपने ये बात बोली, और मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट पता है क्या है, इम्पोर्टेंट पवन भैया एंड खेसारी भैया ही हैं, हम लोग उनके साथ चलने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बुरा ये लगता है कि किसी के साथ चलने वाला अगर किसी दूसरे स्टार को कुछ भी उटपटांग बोल देगा जिसको भोजपुरी से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो कभी यहाँ रहे हैं, ना उन्होंने कोई मूवी देखी है, ना वो कभी गाने सुनते हैं, और वो आके हमारे एक स्टार को कुछ भी बोल देंगे, हम तो नहीं सुन पाएंगे दोस्त। क्या मेरे मुँह से सुना है क्या आप आज कल की आप बात कर रहे हैं, कल के पहले आपने सुना है क्या मेरे मुँह से, कभी नहीं बोलता हूँ। पहली बार मैंने सुना है। क्यों? क्योंकि आप अति करोगे तो अति तो रावण ने किया था तो मर गया था, अति किया था तो राम जी डायरेक्ट आए थे और नाभि में तीर मारे थे, तलहंडे में चले गए वो। तो कल मैंने लाइव में एक चीज़ और बोला, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहाँ विनाश ही लिखा है। और ये गलती भोजपुरी इंडस्ट्री की नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री है ना, वो कोई फिजिकल तो है नहीं, उनमें कोई जान तो नहीं, आत्मा तो है नहीं, वो एक इंडस्ट्री जिसको हम लोग ने मिलकर बनाया है। कोई बाहरी आदमी आके उसके ऊपर ऐसा करेगा अच्छा नहीं लगता ना। मैं बाहरी नहीं मानता, क्योंकि मैं तो एक भोजपुरी स्टार को मैनेज करता हूँ, मैं आपको ही बाहरी नहीं मानता। आप भोजपुरी में आप सिनेमा कवर करते हैं, गाने कवर करते हैं, इवेंट कवर करते हैं, यार जिसने पसीना नहीं बहाया आके कुछ भी बोल देगा भोजपुरी को या भोजपुरी के स्टार को, वो भी मेगा स्टार को। ये लोग सोच नहीं रहे, बस उनको क्या लग रहा है आपने गाली दे दिया या आप गुस्से में थे। अरे आप ये देखो ना कि अगले ने क्या किया, उसका कोई लेना देना था। लेकिन आप लोगों ने पवन सिंह को भी काफ़ी आप लोगों लपेटे में लिया। किसी ने बोला कि भैया नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अगला तीन चार लोग है ना वो बोलते हैं नहीं बोला, यानी कि इज्जत नहीं करना। मैं भैया नहीं बोलूँगा, मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं गाली दे दूंगा, मैं भैया नहीं बोलूँगा ऐसा बोला। क्यों नहीं बोलूँगा? सिर्फ पीछे भाई आपके लोग जब आपको भैया बोलते हैं ना, अरे तुम लोग क्या है रे, तुम लोग भैया 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 तो अच्छे हैं, अरे भैया भैया तो ये हैं। अच्छा मेरे भैया बोलने से प्रॉब्लम है, चल नहीं बोलते जा। किसने खराब किया छोटू? मैं ये दिखाने के लिए, मैं एक्चुअली इज्जत से सच में भैया बोलता हूँ, उसको ही मजाक उड़ाओगे, नहीं बोलता चल, किसका नुकसान है, मेरा नुकसान है? अच्छा आपको क्या लगता है कि हर एक बार या फिर हर एक चीज़ों में पवन सिंह के भाई है अगर विशाल सिंह बोल दिए, क्या लगता है कि पवन सिंह की ही गलती है या फिर पवन सिंह ऐसा किए? मुझे ये लगता है कि पवन भैया को समझाना चाहिए, जैसे खेसारी अगर मैं कुछ गलती करूँ मुझे खेसारी भी समझाते हैं, खेसारी भैया छोड़िए मेरे घर के लोग मेरे को समझाते हैं, तुम पागल वागल हो क्या, लाइव आते हो क्यों, आते हो क्यों बोलना ऐसा, सो पीपल दैट यू आर एजुकेटेड और आप ऐसी बात करो कि लोगों को अच्छी लगे, मेरे घर वाले बोलते हैं, क्या उसको नहीं बोल सकते? फिर उसको नहीं बोलते ऐसा लगता है कोई ना कोई सह दे रहा होगा ना, कोई ना कोई सह दे रहा होगा, क्या पता। ये तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। फिर सुनिए उनके सैड सॉन्ग, सुनिए उनके देवी गीत, सुनिए क्या बात है, उनकी गायकी के क्वेश्चन उठाएगा क्या, जो उनकी गायकी पे क्वेश्चन उठाए उसकी तो क्या ही बात करेंगे हम, इज अ सुपर सिंगर। लेकिन आपने तो एक लाइव के दौरान बोला कि मैं अब इज्जत करना किसी को भूल गया, किसी के वजह से बोला था, किसी छछुंदर की वजह से बोला था, क्योंकि वो छछुंदर ये बोलने पे मजबूर कर रहा है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी मेरी और उनकी अभी थोड़ी देर पहले, उस प्यार को कोई छछुंदर आके गड़बड़ कर रहा है। और अगर आपके लोग हमारे को कुछ भी बोलेंगे तो हमसे भैया की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मेरा भैया भी भैया ही है, ठीक है, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए, जो कि साफ कहना था विवेक सिंह जी का कि पवन सिंह अपने टीम के लोगों को समझाए, हालांकि गाली गलौज या फिर मारा मारी पर अगर उतर जाए भोजपुरी इंडस्ट्री तो शायद बहुत ही
अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी के पास जाते रहते हैं, थोड़ा सा आदमी परेशान होता है ऐसे ऐसे बातों को देखकर, क्योंकि धमकी भरा जिस तरीके से बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, तो शायद एक दिन वो भी समय आएंगे कि मारामारी पर भी लोग उतर जाएंगे। भैया लास्ट में जाते जाते ऑडियंस को और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सो तबाही न्यूज़ TNB, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये बहुत मेहनती लड़का है, ये दे दो बूम माइक अपना, हम पकड़ लेते हैं। आज हम भी तबाही न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और आप लोग इसको बहुत प्यार दीजिए। अभी हम लोग की बहुत बात हो रही थी तो छोटू भाई ने बताया, और छोटू भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भैया हम लोगों ने इतने देर आपके साथ समय बिता रहा है, इनफैक्ट 2-3 घंटे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी हम लोग हमेशा सिर्फ आपके पक्ष ही बात करेंगे। और छोटू भाई कभी ये कीजिएगा ही मत, और इस चीज़ को एडिट भी मत कीजिएगा। हम लोग साथ में बैठे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा अच्छे हैं जी। हम लोग साथ में बैठे हैं क्योंकि हम लोग भाई हैं। गलतियां हमेशा बताइए, अच्छाइयों को भी हमेशा बताइए। नहीं भैया, सभी का न्यूज़ हम कवर करते रहते हैं और सभी का न्यूज़ हम लोग लगभग लगभग दिखाते रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं, मैं कलाकारों का सपोर्टर भी हूँ, और गलती करता है कोई भी कलाकार तो समय समय पर उनका आईना भी दिखाने का काम करता है। करेक्ट। तो इस तरह मैंने बताया कि जैसे हमारी आखिरी मूवी, लास्ट मूवी जो हमारी रिलीज हुई थी फरिश्ते, इनको याद है, सेम अगले बंदे का भी या किसी और का भी आखिरी मूवी या अपकमिंग मूवीज़ याद रखिए। हमारी अपकमिंग मूवीज़ 3 होगी, जिसका एक आप नाम लेते हैं भैया, वो पिक्चर रिलीज़ कब होगी उसका नाम है संघर्ष 2। उसके बाद एक हमारी बहुत बड़ी पिक्चर आएगी उसका नाम है गॉडफादर। उसके बाद एक हमारी बहुत बड़ी पिक्चर आएगी उसका नाम है रंग दे बसंती। सेम लिस्ट लोग भी दें, हम भोजपुरी के लिए काम करें। हम ये चाहें कि हमें नेशनल अवार्ड मिले, हम ऐसी ऐसी कहानियाँ करें, भोजपुरी का नाम करें। एक नाम तो हो गया है कि हमारी भोजपुरी के गाने हर स्टार के, जिनके भी कि ट्रेंडिंग लिस्ट में आप देखो तो मिलते हैं, कभी नीलकमल भाई मिलते हैं, कभी कल्लू भाई मिलते हैं, हमारा मेगा स्टार मिलता है हमेशा लगभग। तो ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए तो ही हम इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे और मस्त रहेंगे, तभी आपको कंटेंट मिलेगा। अदरवाइज़ ये क्या कंटेंट बनाएं कि विवेक सिंह ने किसी और को गाली दी, किसी और ने विवेक सिंह को गाली दी, गाना कोई सुनेगा नहीं, मूवी कोई देखेगा नहीं, और ये भी कंटेंट सिर्फ वही बनाएगा क्योंकि इसकी भी मजबूरी है, क्योंकि इनको भी अपना घर चलाना है। हमारे को सोचना है कि हम इनको दे क्या रहे हैं और इनको क्या परोस रहे हैं। खाना वही खाएंगे जो थाली में रहेगी ना, अदरवाइज ऑर्डर देना पड़ता है बाहर से। मैं जो ही बातें आपसे पूछा दिल से, बिल्कुल दिल से मैं इस बात को पूछा, मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी से कंट्रोवर्सी हो या फिर किसी से विवाद हो। जो फैक्ट बातें थी मैं आपसे पूछ लिया, इसीलिए कि इसलिए मैंने भी बोला आपसे कि ये चीज़ अगर हम परोसेंगे तो आप यही चीज़ दिखाओगे, यही चीज़ आपको खाने में जो मिलेगा खाना वही खाओगे। तो हमारे ऊपर है हम क्या देते हैं क्या नहीं। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भोजपुरी को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। गाने और मूवीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं ये ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ। हम जैसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे भोजपुरी। कुछ सावन का आप अपडेट देना चाहेंगे? 12-13 गाने हैं हम लोग करेंगे, ठीक है। आपका कैमरा मैन बेचारा बहुत थक गया, तब से कैमरा पकड़ा हुआ है वो, ठीक है, मैं उसका देख रहा हूँ। और तो तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे भाई हैं। और ये ख्याल रखिए, अपने माँ का बहुत ख्याल रखिए। सावन के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, और छोटू से मिलते रहेंगे, पटना आएंगे तो आपसे फिर से मिलेंगे। और आप सबको गुड नाइट, गुड नाइट ही बोलूँगा, बहुत लेट हो गया जो ये इंटरव्यू ले, रात के 2 बज रहे हैं इस समय, और सो जाइए क्योंकि ये तो अभी सोएगा। सोगे ना? बिल्कुल सोएंगे। और कैमरा आप ये सोए चले, कैमरा मैन तुरंत सोने वाले हैं। आपका नाम मुझे नहीं पता, नाम बताइए। नाम इनका शिशुपाल है। अरे शिशुपाल, कृष्ण भगवान ने कुछ बोला था आपके लिए? 99 गलती। यस, तो आप इसी गलतियाँ ना करें कि बार बार आप बोल रहे हैं कैमरा बंद कर दूंगा शिशुपाल जी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और बहुत मस्त रहिए, ऐसे हंसते रहिए, हंसते हंसते अच्छा लगता है। चलिए, ये थे हमारे साथ में विवेक भैया, जो कि काफ़ी इनसे फनी बातें भी हुई, काफ़ी मज़ा भी आ गया। अब 2 भी रात्रि बज रहा है, नींद भी खुल गया है, और काफ़ी इनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। मैं एक लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत अगर कोई बातें होती है तो एक दूसरे को सही तरीके से अपने बातों को रखना चाहिए। हर एक प्लेटफॉर्म पे आपका बात रखने का आज़ादी है, लेकिन एक सुपरस्टार चाहे कोई भी सुपरस्टार हो, किसी को भी गाली गलौज न करें या फिर अमर्यादित शब्द का प्रयोग न करें, ताकि एक सुपरस्टार को तकलीफ लगे, जैसा कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले से लगातार चल रहे हैं। भैया लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल पर? गुड नाइट बोलेंगे, गुड नाइट। अगर कल देख रहे हैं सुबह तो गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में देख रहे तो गुड इवनिंग, एंड लव यू ऑल। अपना बहुत बहुत, फिर से मैंने बोला, बहुत बहुत ख्याल रखिए। गर्मी बढ़ रही है तो प्लीज़ पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेट होती है बॉडी, तो आपको कमजोरी फील होती है। अब विवाद करते रहिए, नहीं नहीं गाने सुनते रहिए। जो विवाद करेगा उसको छोड़िए मत। जिसने गंदी बात की आपके किसी भी स्टार के लिए, बोल दूंगा तबाही तो तबाह हो जाएगा। इसलिए थैंक यू, लव यू ऑल।
थैंक यू भैया। थैंक यू भाई।